सो आज हम बात करेंगे आधार प्रिंट पोर्टल को लेकर। इस पोर्टल का नाम instantprint.in है। सो कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये जो इंस्टेंट प्रिंट पोर्टल है, इसमें आधार कार्ड कैसे डाउनलोड होता है, वो आप एक बार हमें बता दीजिए। सो कई सारे लोगों के वहाँ पर कमेंट ये भी आए कि इसमें हम क्या आधार अपडेटिंग का काम कर सकते हैं। उसके साथ कई सारे लोगों के और भी कमेंट आए कि इसमें लोगों को ज्वाइन कैसे किया जाता है और इसका आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा। सो यहाँ पर और भी कई सारे लोगों के कमेंट आए थे कि क्या ये लीगल पोर्टल है या अनलीगल पोर्टल है। तो कई सारे सवालों के जवाब हैं जो आज के इस वीडियो में डिस्कस होंगे। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस पोर्टल में आप आधार कार्ड कैसे प्रिंट करते हैं। सो यहाँ पर आप आधार कार्ड उन्हीं लोगों का प्रिंट करते होंगे शायद हमारे ख्याल से कि जिनके आधार में मोबाइल नंबर नहीं लगा होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें आधार कार्ड की कहीं पर इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि हमें ई आधार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो उस रीज़न में अगर हमारे आधार से मोबाइल नंबर नहीं लगा होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से आप आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके सामने आधार ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप यहां पर आधार ऑप्शन पर जैसे ही आएंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन शो करेंगे आधार प्रिंट को लेकर। सो सबसे पहला है एडवांस प्रिंट, उसके बाद में एडवांस प्रिंट टू। सो यहां पर आपको एडवांस प्रिंट पर क्लिक करना है। सो जैसे ही आप एडवांस प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नया पॉपअप ओपन होगा, जहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ जो है थोड़ा सा स्लो ओपन हो रहा है अभी शायद। सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इससे पहले कि यहाँ पर आधार जो डाउनलोड किए जाते हैं ज़्यादातर स्टेट, अगर हमें ई आधार की ज़रूरत पड़ जाती है तो अगर हमारे आधार से मोबाइल नंबर नहीं लगा होता है तो हमें ई आधार डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है, ई आधार में नहीं मिलता है। तो उस रीज़न में जाके फिंगरप्रिंट के माध्यम से आधार कार्ड को डाउनलोड कराया जाता है, जिससे कि ई आधार निकल जाता है और जो काम है वो इजीली तरीके से हो जाता है। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना होगा, उसके बाद में आप एक डिवाइस सेलेक्ट करेंगे जो कि आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस होगी, उसके बाद में आप कैप्चर फिंगर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आधार है वो डाउनलोड होगा। सो सबसे पहले आपको आधार नंबर डालना है, उसके बाद में अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में कैप्चर फिंगर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका आधार डाउनलोड हो जाएगा। तो आधार डाउनलोड हो जाने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर प्रिंट लिस्ट में आपका आधार शो करेगा, जितने भी आधार कार्ड आप डाउनलोड करेंगे। सो यहाँ पर आधार में नाम क्या है वो शो करेगा, आधार नंबर क्या है वो शो करेगा, लैंग्वेज क्या है वो शो करेगा, और किस टाइम आपने आधार को डाउनलोड किया था वो शो करेगा। सो अगर आप आधार को पूरा पीडीएफ ओपन करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका आधार जो है वो पीडीएफ में ओपन हो जाएगा और आप उसे बड़ी इजीली तरीके से जो है प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। सो ये तो बात हो गई आधार डाउनलोडिंग की कि आधार कैसे डाउनलोड होता है। सो अब बात कर लेते हैं क्या ये पोर्टल यूआईडीआई से परमिशन होता है या इलीगल है या लीगल है। सो ये पोर्टल पूरी तरीके से इलीगल होता है, कोई भी लीगल पोर्टल ये नहीं होता है, ये किसी भी सरकारी परमिशन से नहीं होता है। ये प्राइवेट डेवलपर बनाते हैं ऐसे पोर्टल को, जिसे आप यूज़ करते हैं अपनी जो है सर्विस को देने के लिए, अपने आधार को इजीली तरीके से डाउनलोड करने के लिए। सो एक तरीके से इसका जो है गलत यूज़ भी लोग करते हैं कि कई सारे लोग जब कस्टमर आते हैं आधार डाउनलोड कराने के लिए तो वहाँ पर वो फिंगर लगा लेते हैं आधार डाउनलोड करने के बजाय, वहाँ पर वो लोगों के खाते से छेड़छाड़ करते हैं, लोगों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उनका जो डेटा होता है उसमें छेड़छाड़ करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये उस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं, आप एक जो है अपराध कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये भी बात क्लियर हो गई कि ये पोर्टल कोई भी इलीगल नहीं होता है, अनलीगल सारे पोर्टल होते हैं जो भी इस टाइप के आते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो B2B है, राशन कार्ड की जो सर्विस है, ये ऑन होगी या नहीं इसमें। तो अभी तक तो इसमें कोई भी सर्विस ऐसी ऑन नहीं हुई है जो कि जो है लोगों को मिल सके इसका लाभ। लेकिन जो है अगर हमने जो इनके डेवलपर हैं उनसे बात की थी तो उनका जो कहना था वो ये था कि अगर आप इसका करते हैं तो ये जो सर्विस है ये आपके सिस्टम में, आपके पोर्टल में ऑन कर दी जाएंगी, यानी चालू कर दी जाएंगी। सो हमें भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने इनको नहीं ऑन करवाया है, क्योंकि जो भी सर्विसेज इसमें मिलती है वो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। सो यहाँ पर अगर आप इस तरीके के पोर्टल लेना चाहते हैं तो आपको सावधानी से काम करना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है। और इसमें कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इसमें यूज़र कैसे बनाए जाते हैं,
तो आप जब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का पोर्टल लेते हैं तो आपको एक एडमिन पोर्टल दिया जाता है जहां पर आप एड यूजर, यूजर लिस्ट, पॉइंट ट्रांसफर और पॉइंट ट्रांसफर लिस्ट सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। सो यहां पर हम यूजर कैसे बनाते हैं इसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि एडमिन पोर्टल, एडमिन ऑप्शन में ही आपका सारा काम होता है। सो अगर फिर भी आप इस पोर्टल को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इस पोर्टल के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहां से हमें कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बता दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।